छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा में बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। कवर्धा रेंगाखाड़ थाना क्षेत्र में बालाघाट हाक फोर्स ने दो माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। कई नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल के सर्चिंग किए जाने पर भारी मात्रा में नक्सली सामग्री, हथियार, नक्सली साहित्य, बैनर, पोस्टर, झंडे मिले हैं। कवर्धा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इसकी जानकारी दी है। नक्सल मोर्चे पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चला रही है, जिसमें एक दूसरे राज्य के पुलिस के साथ बेहतर तालमेल के चलते नक्सलियों के मामले में लगातार सफलता मिल रही है। मौजूदा मुठभेड़ तो बालाघाट पुलिस के साथ हुई है, लेकिन इससे कवर्धा जिले की पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि मारे गए माओवादी में एक महिला भी शामिल है, जिसका नाम साजंती उर्फ क्रांति है। आपको बता दें कि क्रांति कवर्धा जिले के कान्हा भोरमदेव डिवीजन के विस्तार प्लाटून 2 और भोरमदेव एरिया डिवीजन कमेटी के सदस्य थी, जिसे पुलिस ने मार गिराया है। नक्सल मोर्चे पर पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। कवर्धा जिला छग का अंतिम छोर में बसा जिला है, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश लगती है। ये जंगल का घनघोर इलाका है। पूरे बॉर्डर एरिया कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया से जुड़े हुए हैं। इसके गलियारे में ही नक्सली सांस ले रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते इनके नाक में दम कर दिया गया है। नक्सली भरसक इस क्षेत्र में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दे रही। छग में भी पुलिस नक्सलियों को ढूंढकर खदेड़ने में लगी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला पुलिस भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, जिसका बेहतर परिणाम भी मिल रहा है। पुलिस नक्सलियों पर भारी पड़ रही है। नक्सलियों के ऊपर 43 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं दूसरा माओवादी का नाम जो है वो रघु उर्फ शेर सिंह है, जो मुलाजखंड एरिया कमेटी का सदस्य था। इन दोनों नक्सलियों को बालाघाट की पुलिस ने मार गिराया है, साथ ही इनके पास से भारी सामान भी मिला है। कवर्धा जिले में नक्सली नेतृत्वकर्ता के लिए जूझ रहे हैं। मारी गई नक्सली क्रांति भोरमदेव एरिया और बोडला डिवीजन का काम देख रही थी। उसके मारे जाने के बाद माओवादियों के सामने लीडर को लेकर चुनौती रहेगी। पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जिससे नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं।